तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बेरोके के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले गुजरात टाइटंस यानी IPL 2024 का स्क्वाड कंपोजिशन करेंगे। तो आगे बात करते हैं इनके टीम स्पेशलाइजेशन देखते हैं, जहां पे IPL की सबसे कमयाब टीम यानी गुजरात टाइटंस, जिसने 2022 के IPL में अपना डेब्यू किया था, अपने डेब्यू करते ही IPL 2022 का खिताब अपने नाम किया था। वहीं बात करें दूसरे साल यानी 2023 के, तो गुजरात टाइटंस की टीम एक बार फिर से अपने कमाल के परफॉर्मेंस के बलबूते तक फाइनल में पहुंच गई थी, बट वहां पे मैच हार गई। जहां पर आशीष नेहरा की कोचिंग, हार्दिक पांड्या की कप्तानी में टीम काफ़ी निखरी थी, पर इस साल यानी 2024 की IPL में आपको नेहरा की कोचिंग तो दिखने को मिलेगी, बट हार्दिक पांड्या का कप्तानी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हार्दिक पांड्या इस टीम के लिए एक अहम खिलाड़ी और कमयाब कप्तान थे, बट उन्होंने इस टीम को छोड़कर मुंबई का हाथ थाम लिया। इस साल आपको गुजरात टाइटंस के भारतीय क्रिकेट टीम के युवा बल्लेबाज और इंडियन क्रिकेटर के यानी प्रिंस यानी शुभम गिल इस टीम की कप्तानी करते नजर आ सकते हैं। तो यह देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्या एक युवा खिलाड़ी इस टीम को संभाल सकते हैं या नहीं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि विकेट कीपर्स है। दोस्तों आपको गुजरात टाइटंस की टीम में इस बार IPL 2024 में 3 विकेट कीपर्स बल्लेबाज के साथ आपको इस टूर्नामेंट में नजर आने वाले। तो कहीं ना कहीं गुजरात की टीम में आपको काफी सारे विकेट कीपिंग के ऑप्शन भी देखने को मिलेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार है, रिद्धिमान शाह है, मैथ्यू वेड और रॉबिन मिंज है। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि बैट्समैन है। तो दोस्तों आपको गुजरात टाइटंस की टीम में आपको कई सारे बैट्समैन भी देखने को मिल सकते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है, शुभम गिल है, डेविड मिलर है, अभिनव मनोहर और केन विलियमसन और साइंस सुदर्शन है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि ऑलराउंडर होगा। तो दोस्तों आपको गुजरात टाइटंस की टीम में आपको काफ़ी सारे ऑलराउंडर भी देखने को मिल सकते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है, राहुल तेवतिया है, जयंत यादव है, विजय शंकर है और शाहरुख खान है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि स्पिनर्स है। दोस्तों आपको गुजरात टाइटंस की आपको स्पिनर्स के भी कमी देखने को नहीं मिलेगी, जो कि कुछ इस प्रकार है, राशिद खान है, दर्शन नीलकंडे है, नूर अहमद है और शाहीन किशोर। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि फास्ट बॉलर है। तो दोस्तों आपको गुजरात टाइटंस की टीम में आपको काफ़ी सारे फास्ट बॉलर के देखने को मिल सकते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है, मोहम्मद शमी है, उमेश यादव है, जॉर्ज लिटिल है, मोहित शर्मा है, सुशांत मिश्रा है, कार्तिक त्यागी है, मानव सुथर है, अजमतुल्ला उमर जाय, स्पेंसर जॉनसर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 होगा। तो पहली प्लेयर की बात करें जो कि शुभम गिल है, भारतीय क्रिकेट के युवा बल्लेबाज यानी इंडियन क्रिकेट प्रिंस यानी इस टीम के कप्तान होने वाला और इस टीम को अपने बैटिंग से अच्छा खेल दिखाएगा। उन्हें भारतीय क्रिकेट के उज्ज्वल आगामी के रूप में देखा जा सकता है। शुभम गिल की बैटिंग तकनीक, सुनिश्चित गेम प्ले और उनका युवा उम्र उन्हें भारतीय क्रिकेट के भविष्य के लिए यूरोप में उम्मीदवार बनाती है। उन्होंने IPL में अच्छे परफॉर्मेंस के बलबूते पर अपना प्रशंसा प्राप्त किए, उन्हें आगे भी भारतीय टीम के साथ अच्छा रिस्पांस मिलेगा। बात करते हैं नेक्स्ट प्लेयर जो कि रिद्धिमान शाह है। शाह इस टीम के लिए विकेट कीपर के रूप में खेलते हैं। इस टीम के एक अव्वल दर्जे के विकेट कीपर है, जो अपनी विकेट कीपिंग के इस टीम को अच्छी एक शुरुआत करते हैं, पीछे तैयार रहते हैं और यह बल्लेबाजी में भी माहिर खिलाड़ी है। तीसरी प्लेयर की बात करें जो कि साई सुदर्शन है, भारतीय क्रिकेटर साई सुदर्शन जो कि तीसरे नंबर के खिलाड़ी तौर पर इस टीम को काफ़ी सटीक बैठते हैं और इस टीम के बल्लेबाजी के स्थिरता प्रदान करते हैं। इनका होना इस टीम के लिए एक अच्छे सदु खिलाड़ी के तौर पर टीम को और मजबूत बनाता है। चौथे प्लेयर की बात करें जो कि विजय शंकर है, विजय शंकर इस टीम के लिए एक बहुत ही अच्छा मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज के विकल्प के रूप में उभर कर आए हैं। उनका मजबूती इस टीम के मिडिल ऑर्डर को मजबूत बनाता है, साथ ही साथ जरूरत पड़ने पर उस टीम को गेंदबाजी भी कराई जाती है। नेक्स्ट प्लेयर की बात करें जो कि डेविड मिलर है, दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी डेविड मिलर एक कमाल के फिनिशर है इस टीम के लिए, जो कि लास्ट कुछ वर्षों में काफ़ी घातक हो सकते हैं। एक अच्छी स्ट्राइक रेट से कम गेंदों में काफ़ी अच्छा स्कोर बनाते हैं। इनका होना इस टीम के लिए काफ़ी जरूरी होता है फिनिशर के तौर पर, साथ ही साथ इनका एक्सपीरियंस की टीम के लिए काफ़ी मददगार साबित होता है। नेक्स्ट प्लेयर की बात करें जो कि राहुल तेवतिया है, राहुल तेवतिया एक ऐसा नाम है जिन्होंने हाल के कुछ सालों में काफ़ी नाम कमाया। राहुल तेवतिया ऐसा टीम के फिनिशर बल्लेबाज के तौर पर खेलते हैं, जो साथ ही साथ जरूरत पड़ने पर अपनी टीम को कभी भी मैच जिता सकते हैं। राहुल तेवतिया ने काफ़ी सारे मैच में अपनी टीम के लिए जिताई है, उनका टीम किसी परेशानी में फंसती है तो वह तुरंत निकाल देते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट प्लेयर जो कि जॉर्ज लिटिल है, जॉर्ज लिटिल एक विदेशी गेंदबाज है जो अपने गेंदबाज से अपने टीम को शुरुआती करते हैं। विकेट झटका काफ़ी अच्छे विकेट बॉलर भी है, इनकी गेंदबाजी स्विंग देखने को मिलती है। नेक्स्ट प्लेयर की बात करें जो कि राशिद खान है, अफगानिस्तान के कमाल के गेंदबाज और साथ ही साथ बल्लेबाजी के दम पर रखने वाले राशिद खान इस टीम के लिए एकमात्र ऐसे स्पिन गेंदबाज जिन्होंने बारे में खिलाड़ी अपने गेंदबाजी से पवेलियन पहुँचाया। राशिद खान एक ऐसे प्लेयर है जो कि हर सानी में अपने टीम को वहां से तुरंत निकाल लेते हैं और अच्छे बॉलिंग भी करते हैं। नेक्स्ट प्लेयर की बात करें जो कि नूर अहमद है, नूर अहमद अफगानिस्तान के कमाल के स्पिन गेंदबाज जो अपनी गेंदबाजी से सामने वाली टीम को ध्वस्त करने की ताकत रखते हैं। स्लो फिटनेस पे इसकी गेंदबाजी लायक होती है, यह गेंदबाज काफ़ी अच्छे अच्छे खिलाड़ी को पवेलियन भेजा सकते हैं।
नेक्स्ट प्लेयर की बात करें जो कि मोहम्मद शमी है, भारत के तेज गेंदबाज इस टीम के सबसे कम गेंदबाज को, जो इस टीम की अगुवाई सबसे अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं, सबसे ज़्यादा विकेट लेने की क्षमता भी रखते हैं, एक मुख्य फास्ट गेंदबाज के तौर पर इनकी गेंदबाजी इस टीम के लिए काफ़ी सराहनीय है। नेक्स्ट प्लेयर की बात करें जो कि मोहित शर्मा है, गुजरात टीम की आखिरी खिलाड़ी मोहित शर्मा इस प्लेइंग 11 में अपने गेंदबाजी और सटीक योगर्स के लिए जाने जाते हैं। एक अच्छी गेंदबाजी अपने टीम के लिए एक अच्छे खास विकेट कर लेकर देते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमने हर एक चीज़ पे डिस्कशन कर ली, आगे बात करते हैं क्या इस बार गुजरात टाइटंस 2024 का टाइटल जीत पाती या नहीं जीत पाती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, आप लोग जरूर देखिएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, ओके दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। फाइनली दोस्तों हमने हर एक चीज़ पे डिस्कशन कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं चलते हैं क्या गुजरात टाइटंस इस बार 2024 में अपने टाइटल जीत के जाती है नहीं जीत कर जाती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, आप लोग जरूर देखिएगा। ओके दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।